साहिब जियो। तू विसरता सबको लागू, चित आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूजे, साचे अलख अपेमा, चित आवे ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा पला कहो किसनो कही है, सगले जी तुम्हारे, तेरी टेक तेरा धारा, हाथ दे पूरा के, जिस जन ऊपर जिस जन पर तेरी कृपा, तिसको बीप न को पाखे, ओ सुख ओ हावडे आई, जो प्रभ जी मन पानी, तू दाना तू सद मेहरवाना, तू दाना तू सद मेहरवाना, तुद आ गए अरदास हमारी, तुद आ गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहूं नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा, कहूं नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा, आनंद गुण गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज, तीन बेबियन की कुल बिखे, तीन बेबियन की कुल बिखे,
प्रगटे नानक राए। प्रगटे नानक राए तिन बेदियन की कुल बिखे। तिन बेदियन की कुल बिखे। तिन बेदियन की कुल बिखे। तिन प्रगटे नानक राए। प्रगटे नानक राए तिन बेदियन की कुल बिखे। तिन बेदियन की कुल बिखे। सब सिखन को सुख दे। सब सिखन को सुख दे। जैते पै सहाए। जह तह पै सहाए। सब सिखन को सुख दे। सब सिखन को सुख दे। सब सिखन को सुख दे। जह तह पै सहाए। जह तह पै सहाए। तिन बेदियन की कुल बिखे। तिन बेदियन की कुल बिखे। प्रगटे नानक राए। प्रगटे नानक राए। तिन बेदियन की कुल बिखे। तिन बेदियन की। तिन बेदियन की। तिन बेदियन की कुल बिखे। प्रगटे नानक राए।
सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। मिटी तुंद जग चानन होआ, मिटी तुंद जग चानन होआ, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। जो कर सूरज निकलिया तार छप अंधेर पलोआ, जो कर सूरज निकलिया तार छप अंधेर पलोआ, तार छप अंधेर पलोआ, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। मिटी तुंद जग चानन होआ, मिटी तुंद जग चानन होआ, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। सिंह बुके निर्गारनी पन्नी जाए न तीर तरोआ, सिंह बुके निर्गारनी पन्नी जाए न तीर तरोआ, पन्नी जाए न तीर तरोआ, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। मिटी तुंद जग चानन होआ, मिटी तुंद जग चानन होआ, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोआ, पूजा आसन थापन सोआ, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। मिटी तुंद जग चानन होआ, मिटी तुंद जग चानन होआ, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आदम तेजे कोआ, सिद्ध आसन सब जगत दे
नानक याद मते जे को आ, नानक याद मते जे को आ, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया, मिट्टी तुंद जग चानण हो आ, मिट्टी तुंद जग चानण हो आ, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया। कर कर अंदर तरन साल होवे कीर्तन सदा विसोआ, कर कर अंदर तरन साल होवे कीर्तन सदा विसोआ, होवे कीर्तन सदा विसोआ, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया, मिट्टी तुंद जग चानण होआ, मिट्टी तुंद जग चानण होआ, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया। बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया, मिट्टी तुंद जग चानण होआ, मिट्टी तुंद जग चानण होआ, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया, मिट्टी तुंद जग जानन होआ, 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 सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया, सतगुर नानक प्रगटया। लाल जियो तेरा अंत न जाना, सारे मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, वाहे गुरु 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 सारे जप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
अंत न जाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना सारे गाओ मेरे लाल गुरु साध संगत जी अज असी सारे इत्थे एकत्र हो के श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं कितने ना कथे असी सारे ही चाहते हाँ कि सानू गुरु नानक देव जी बख्शिश करन अपनी नदर करन अपनी कृपा का पात्र सानू बनान गुरु नानक देव जी जपजी साहब विच सानू समझांदे हन दसदे हन ध्यान ना सुनना कि थापिया ना जाए कीता ना होए उस परमात्मा दी असी किथे कोई स्थापना करके उसनू नहीं पूज सकते वो साड़ी बेवकूफी होएगी ऐ संभव ही नहीं है कि असी उसकी किथे कोई स्थापना कर दिते जाए क्योंकि असी जिस विच खुद स्थापित हाँ उसनू असी स्थापित नहीं कर सकते मैं अपने इस हाथ नू पूरा कंट्रोल कर सकता हाँ पर हाथ मैनू पूरा नहीं पा सकता हाथ मेरा अंग है अंग कदी भी अंगी नू नहीं पूरा पा सकता इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते हैं थापिया ना जाए उसनू स्थापित करके सोचो कि असी परमात्मा दी हुण पूजा कर लिए मन लिए या मत्था टेकी रोज़ रोज़ नहीं ऐ साडी मूर्खता है परमात्मा इन्ना विराट है कि असी खुद ही परमात्मा दे विच ही वसदे हाँ कहिंदे हन ना गुरु नानक देव जी सुन वड्डा आखें सब कोई सुन सुना के गल्लां गुल्लां करनी तो सब नूं आ जांदियां हन केवल वड्डा डेठा होए सच विच ओह किन्ना विराट किन्ना वड्डा है कोई कोई ही जाण पाउंदा है पर जदों कोई जाण जांदा है जिहनूं आभास हो जांदा है जो बुझ जांदा है तो फिर कहिंदे क्या नहीं जांदा कीमत पाए ना कहया जाए जो तो फिर सच्ची मुची परमात्मा दा आभास हुंदा है ना तो फिर मुंह शब्द नहीं निकलते ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कहे पिछे फिर भी अगर कुछ कोई कहिंदा भी है क्योंकि साढ़े कोल चारा नहीं है होर कोई चारा नहीं है उसने गुणगान गान नूं आदमी मजबूर हुंदा है पर फिर भी वह गान तो बावजूद भी बाद चो पछतांदा है कि नहीं उसनूं मैं तिल मात्र भी परमात्मा नूं मैं संबोधित नहीं कर सकिया तो गुरु नानक देव जी कहिंदे हन मैं बहुत गहरी गल दस रहा ध्यान नाल सुनना थापिया ना जाए ठीक है परमात्मा की स्थापना करके असी उसनूं पूजिए करिए यह चीज़ ठीक नहीं मूर्खता है साड़ी कीता ना होए कुछ करके भी नहीं पाया जा सकता क्योंकि असी इन्ने छोटे हाँ कि साडा करना पूरा नहीं पैंदा कि परमात्मा वर्गे इन्ने वड्डी विराज शक्ति नूं असी पा जाइए साड़ी औकात ही नहीं है साड़ी क्षमता ही नहीं कुछ करके पा लिए करना मन का सुभाव है करना अहंकार का अहंग है अहंकार ही कहता है कि मैं करके कुछ कर ला थापिया ना जाए कीता ना होए गुरु नानक देव जी कहते करन नाल भी कुछ नहीं होंदा महात्मा बुद्ध दे भी जीवन जे असी पढ़िए तो उन्होंने बहुत गुरु बदले अखीर विच उन्होंने छोड़ता सब कुछ कि बस हुण मेरे कोल नहीं हुंदा जदों उन्होंने करना छोड़िया सारिया उपवास सारिया भगतियां ध्यान सब कुछ करना जदों छोड़िया फिर परमात्मा बोध गया दे विच उन्हां नूं पेड़ दे थल्ले मिलिया क्योंकि उन्होंने सब छोड़ता इन्ने कमजोर हो गए सी कि मरण लगे सी उन्होंने छोड़ता धर्म धार्मिकता भी छोड़ती सब कुछ छोड़ता इन्ने ज़्यादा खाली हो गए तो फिर उन्हां विच परमात्मा वो निरंजन उतरे
जो गुरु नानक देव जी कहते हैं, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो अपने आप निरंजन उतरते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं। किन्ना च उतरते हैं? जिन सेवया तिन पाया मां, जो उसनू सेवते हैं, जिन्हां दी जीवन की आखरी आस आखरी प्यास जिन्हां दी परमात्मा हो जाती है, जो उसनू सेवते हैं, जो उसनू पुकारते हैं, जो उसनू बुलाते हैं, उन्हां च ही परमात्मा आते हैं। आपे आप निरंजन सोए, जिन सेवया तिन पाया मान। अगे गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक गावी है गुणी निधान, उसके गुण गाओ। कहते ना, गुण गावा नित तेरे तुझ बिन। गुरु नानक जी के बड़े शब्द ने उन्होंने कहा कि मैं तेनू गावा। फिर दोबारा कहते हैं, गावी है सुनिए मन रखिए पाओ, उसनू गाना है। ताहीं ते साडे इत्थे धर्म दे विच की है, सिर्फ कीर्तन तो इलावा होर कुछ नहीं हुंदा। देखा जाए तो दरबार साहब दे विच भी कीर्तन तो इलावा होर कुछ भी नहीं हुंदा, सब कुछ पिछे छुट जाता है। अखीर च परमात्मा तो पहले जो स्टैप हुंदा है वह कीर्तन का हुंदा है, क्योंकि उहदे च एक ऐसी अननोन फैक्टर दे नाल एक आनंद उतरता है। हुण असीं मान लो सारे गावांगे, बड़ा अच्छे धुन होएगी, गुरु नानक देव जी सानू मनां दे विच भाव पैदा कर देंगे, वह की है? साडे कोल कोई उत्तर नहीं। जो संगीत सुनते हाँ सानू आनंद आता है, वह की है? साइंटिस्टा को भी समझ नहीं आता कि भी क्यों सानू है, की है शब्द जो हम जो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने सीधे 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 शब्द बोल रहा, थोड़े मैं लमका लमका के बोलाँगा तो संगीत हो जाएगा। तो क्यों सानू अच्छा लगता? साढ़े को कुछ कारण नहीं। जो तो अननोन चीज़ा जो सच विच जो गुरु नानक देव जी ने अमुल किया है, जिदा कोई मुल नहीं, जो अननोन हैं, जिसना असी कीमत या जिसनों असी माप तोल नहीं सकते, जो तो वो चीज़ा साडे जीवन च घटित होनिया शुरू हो जांदियां हन, उदों फिर परमात्मा का आगास होना शुरू हो जाता है। उस विच सब तो दुनियावी चीज़ विच जो सब तो अननोन चीज़ साडे घटित होंदी है, वह होंदी है संगीत के नाल, परमात्मा के गुण गाने नाल, जो एक आनंद एक मस्ती छांदी है। उस तो साडे कोल कोई कारण कोई भी फैक्ट नहीं है। नानक गावीए गुणी निधान, गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, उसनू गाना है और उस दे विच इन्ना ज़्यादा डुब जाना है, खुब जाना है कि उसनू ही सुनना है, और उस तो इलावा तीसरी थॉट या सोच मन विच आए ही ना। सिर्फ परमात्मा दा भाव होए, परमात्मा नू मिलन दा भाव होए, उसनू जो कीर्तन हो रहा है कीर्तन गाइए, तो सिर्फ जो सारा एनवायरमेंट भरिया होएगा कीर्तन के नाल, उसनू श्रवण करिए। ए गुरु नानक देव जी ने अपना नुकता कह लो, फार्मूला कह लो, सूत्र कह लो, सानू दिंदा है, दिता है कि थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेवया तिन पाया मां, नानक गावीए गुणी निधान। फिर कहते हैं, गावीए सुनिए मन रखिए पाओ। कहते हैं ना, गुरु रामदास जी शब्द है, जिन्ना तू सेवया पाओ कर सो तुद पार उतारिया। जो जिन्ना च भाव ही नहीं उतरिया, जिन्ना च मन ही नहीं मनिया, जिवें मन मार के जे असी बैठे तो फिर गल बनेगी नहीं। तुसी साखी सुनी ही होगी गुरु नानक देव जी ने कि उन्होंने चैलेंज होया कि तुसी कहते हो कि मुसलमान और सिख अलग अलग नहीं हैं, तो चलो अज फिर सा नमाज पढ़ने तानू की दिक्कत है, पढ़ो। गुरु नानक देव जी तैयार हो गए, तो नमाज पढ़ी की थी, पर गुरु नानक देव जी ने पहले शर्त रखी सी कि जे तुसी नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ांगा, नहीं तो नहीं पढ़ांगा। जो नमाज पढ़ी गई तो गुरु नानक देव जी ने विच हिस्सा नहीं लिता। नमाज तो बाद गुरु नानक देव जी को नाराज़ होए कि तुसी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुसी तो वादा किया सी कि जे तुसी पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ांगा। गुरु नानक देव जी ने दस्या कि तुसी तुहाड़ा च भाव कोई नहीं सी, तुसी सिर्फ फॉरमैलिटी कर रहे सी। एक नूं कहा कि तू काबुल च घोड़े खरीदन दी अपनी प्लैनिंग बना रहा सी, एक नूं कहा कि तेरे घर घोड़ा सोया है, उहदे जो बच्चा है तैनूं डर है कि कित्थे खूही दे विच ना गिर जाए, भाव कित्थे सी?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਨਮਾਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਘੋੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਓਕਿਊਪਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਗ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਜਗ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਗਾਓ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗਾਓਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੋ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਆਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੀਰਤਨ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਏ ਹਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਇਨ। ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਦੇਵਾ
लाल जियो तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तुम जल थल जल थल मैल पर पुरलीना तू आपे सर्व समाना तू आपे सर्व समाना मेरे लाल मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना मन तराजी चित तुला तेरी सेव सराप कमा मन तराजी चित तुला तेरी सेव सराप कमा कट ही पीतर सो सहो तो कट ही पीतर सुसह तोली इन विद चित थाप्या न जाए किता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया माना नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नातन गुरमुख वेदन गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही दे बुझाई गुरा इक दे
देह बुझाई सबना दिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई सो मैं विसर न जाई मन तरा दी चित तुला Oh, God.
ਦੇਸ਼ ਦਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ I
नानक वेखाड़े बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ अंधला नीच जात पर Thank you.
खसम विसारे एकम जात नानक नारे बाज सनात नानक नारे बाज लश्कर करे सुआ नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा जेते जी जीवे लैसा जीवा ले ताकी नानक ज्यो ज्यो सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा Bye.
जगत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान। वाहे गुरु 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 वाहे उपदेश चिड़के बहु पाते
ਤਦ ਵਿਧ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।